माई न्यू ब्लॉग। तो गाइज आज तो टाइम मिला नहीं, 3:30 हो रहा है और मुझे रास्ते में ही वीडियो ब्लॉग अपना स्टार्ट करना पड़ रहा है क्योंकि आज पूरा दिन मैं सोया हूँ, नींद पूरी की है 2 दिन से अभी तक। तो अभी जा रहे हैं अपन क्लिनिक और डलवाया था अभी तेल, स्कूटी के अंदर तेल ख़त्म हो गया था तो तेल भी डलवाया है। तो अभी जा रहे हैं क्लिनिक पर, मिलते हैं पहुँच कर। और बादल हो रहे हैं बहुत अच्छे, मौसम अच्छा हो रहा है, दिखाता हूँ आपको दूसरे कैमरे से। तो गाइज अभी तो लग रही है मुझे बहुत ज़्यादा ठंड, तो हम पहन लेते हैं यहीं पे जैकेट, रास्ते में रुक कर जैकेट पहन रहे हैं। तो ठंडा मौसम हो गया, हवा चल रही है बहुत ज़्यादा ठंडी ठंडी, तो बैग में से निकाल लेते हैं जैकेट। तो गाइज अभी अपन ने पहन लिया जैकेट, अब सही लग रहा है और मौसम तो हो ही गया है ख़राब, बारिश हो सकती है किसी भी टाइम। तो चल रहे हैं अभी यहाँ से हाईवे के साइड में रुक के हम जैकेट पहन रहे हैं। चलो निकलते हैं अब फटाफट यहाँ से। ये हम एयरफोर्स ऑफिस के जो कैंपस है एयरफोर्स का, वहीं पर रुका था। तो बारिश भी स्टार्ट हो गई है गाइस बहुत तेज, देखो अभी दिखेगी बारिश। ये एयरफोर्स ऑफिस आ गया अपना, यहाँ इसका कैंपस है, कन्फर्म देखूँगा। गाइस यहाँ हो गई बारिश शुरू, देख गए हम तो, अच्छा जैकेट भी पहन ली थी, सब लोग रुक के वेट कर रहे हैं पीछे, सबकी स्कूटियाँ खड़ी हैं, बारिश हो गई बहुत तेज शुरू। यार बारिश हो रही है बड़ी तेज़, बारिश में भीग के जाना पड़ रहा है क्योंकि कॉल आ गई है क्लिनिक से मेडिकल वालों की कि पेशेंट वेट कर रहे हैं 5-6 मिनट घंटे वहाँ पे, इसलिए बारिश में भीग तो जाना पड़ रहा है। बारिश थोड़ी कम है पहले से लेकिन हो रही है अभी भी। गाइस फाइनली मैं पहुंच गया हूं क्लिनिक पे, बारिश से बचते बचाते जैसे भी भीग के आया हूं, भीग गया था मैं काफ़ी, जैकेट भी उतार दी क्योंकि हमारी जैकेट भीग चुकी है और लाइट भी नहीं आ रही है, इन्वर्टर की लाइट चल रही है और हेयर ड्रायर रखा है मेरे पास में, मैं भीगा हुआ हूं, इरिटेशन हो रही है बहुत ज़्यादा, तो ये हेयर ड्रायर जो है उससे मैं अपने आप को सुखा लेता हूँ जब भी कभी ऐसे चांस पड़ता है मैं भीग जाता हूँ रास्ते में। तो ये पूरी शर्ट यहाँ से भीग रही है, दिख रही होगी आपको, ये देखो ये भीग रही है, आस्तीनों से भीग रहा है ना, और ये भी भीग गई है यहाँ से, पैर भी भीगा हुआ ये, तो सूखने का मन हो रहा है, लाइट आ नहीं रही है, लाइट आती तो मैं सूख तो जाता। पेशेंट भी देख लिए जितने रुके हुए थे वेट कर रहे थे जो सब, और टाइम क्या हो गया है, 5 बज गया है, 5:03 हो रहा है। तो फिलहाल देखते हैं कि क्या करना है, और चाय भी ला के दे दिए मेडिकल वाले भैया ने कि भीग के आए हों तो इसलिए चाय ला के दे दी, उन्हें चिंता है कहीं मैं डॉक्टर साहब बीमार ना पड़ जाए, इसलिए उन्होंने पहले ही चाय ला के दे दी अपने आप ही बिना कहे, तो अच्छा है। तो ऐसे बहुत कम मिलते हैं जो इतना ध्यान रखते हैं डॉक्टर्स का कि भाई डॉक्टर बीमार नहीं पड़ने चाहिए, इसलिए उन्होंने पहले ही चाय ला के दे दी बिना कुछ बोले, बिना तो सही है। मिल के आते हैं फिर उनसे, देखते हैं अभी कोई है नहीं, और चलते हैं अभी मेडिकल में, फिर आता हूँ।
हटा दो उसे साइड से, साइड कर दो साइड। अभी बीच सड़क में खड़ा हुआ है, मर जाएगा फालतू में। गेट के अंदर डाल दो इसे। गाइस ये डॉगी का छोटा सा बच्चा बीच सड़क में था, इसे साइड में किया वरना मर जाता। तो गाइस अभी अपन ने उसको बच्चे को डलवा दिया अंदर, इस गेट के अंदर डलवा दिया है। अभी देखो कहाँ गया, अब नहीं है ना, अंदर चला गया गाइस, वो अंदर रहेगा, अब बच जाएगा नहीं तो मर जाता वो। गाइस यहाँ पे था बीच सड़क में, अभी मैंने उसको पीछे करवाया और इनको सही से सही करवाया, बच गया आज। गाइस टिशू पेपर ख़त्म हो गए हैं रूम पे, तो टिशू पेपर ले रहे हैं, ख़त्म हो चुके हैं, होना चाहिए, रूम पे काम आते रहते हैं, बैग में पड़े रहते हैं, तो इसने रखा रहता हूँ अपने पास। ये वाला देखते हैं, ये 10 रुपीज़ वाला है, 10 रुपीज़ का, ये 30 का है। ये वाला ले लेते हैं, 10 वाला भी ले लेते हैं, दोनों ही ले लेते हैं, क्योंकि यूज के ऊपर बात है कहाँ पे कैसे यूज़ करना है। तो 10 वाला और 30 वाला दोनों ले लिए, और क्या लेना है देखता हूँ, और क्या लेना है। गाइस फाइनली मैं रूम पे पहुँच चुका हूँ। यार एक्चुअली क्या हुआ था कि मेरे फ़ोन की ना बैटरी नहीं, स्टोरेज फुल हो गई थी, 256 GB इसकी फ़ोन के अंदर है इसमें, तो वो फुल हो चुकी थी, इसलिए मैं बाहर की वीडियो बना नहीं पाया। और जो मैंने आपको सामान दिखा रहा था ना, वो वहाँ पे मॉल के अंदर की ब्रेड और ये बटर वगैरह जो दिखा रहा था, उसी टाइम पे मेमोरी फुल हो गई थी और ऑटोमेटिक वो वीडियो स्टॉप हो गई थी। तो अभी खाना वगैरह भी पार्सल करा के लेके आया था, तो खाना भी खा दिया, ये रखी थाली और रोटी वगैरह सब फिनिश हो चुकी हैं, तो पानी वगैरह सब पी चुके हैं। तो बाहर टहल रहा था अभी थोड़ा सा, और फिर उसके बाद मेमोरी थोड़ी सी खाली की है इसकी फ़ोन की, फ़ोन की मेमोरी खाली करने के बाद मैं अब सोचा कि अब सोने का टाइम हो गया, क्योंकि टाइम तो काफ़ी हो चुका है गाइस, 2 बज रहा है, 1:56 हो रहे हैं, 2 बजने वाला है। अभी सोने की तैयारी है बिल्कुल एकदम, अब सोएंगे। अपना डॉगी नीचे घूम रहा है, नीचे बाहर जिएगा, मैं आज म्याऊँ कहाँ पे बैठी है, म्याऊँ हमारी सीट पे तो नहीं बैठी हुई है आज, देखते हैं कहाँ बैठी है आज, वो घूमने के लिए गई है, पता नहीं कहाँ गई है, कभी डॉगी चला जाता है कभी म्याऊँ चली जाती है, कोई दिक्कत नहीं है, इनकी लाइफ है, इंजॉय करने दो। तो भूख लग रही होगी, इधर उधर गई होगी घूमने के लिए गाइस, कोई नहीं, तो चलो यार फिर अंदर चलते हैं सोने के लिए, सोते हैं फिर मिलते हैं कल सुबह। और कल सुबह भी यार क्लिनिक पे जाना है, तो सुबह को जल्दी उठना है, पता नहीं कैसे उठूँगा, क्या करना है सुबह को, 2 तो बज ही रहा है कम से कम, आदत ख़राब हो गई है गाइस आज कल मेरी, जब ड्यूटी पे था उन हॉस्पिटल में था तब तो अपना टाइम से उठता था, टाइम से सोता था, बट आजकल पता नहीं क्या हो गया, केयरलेस हो गया, आलसी हो चुका हूँ, पता नहीं क्यों हो गया है ऐसा। आजकल क्या हो रहा है ना कि 10 बजे 11 बजे सो सो के उठा हूँ मैं, 10-10 बजे तक सो रहा हूँ, 11 बजे तक सो रहा हूँ, कभी आज तो मैं 11:30 बजे सो के उठा हूँ, वो भी नीचे आंटी जी के बेटे हैं ना जो ऑनर जो है हमारे मकान मालिक के हैं, उनके बेटे आए थे, वो उठाने के लिए आए थे, गेट खटखटाया तब जाके उठा, उनकी भी 5-6 कॉलें पड़ी थी, फ़ोन भी काम नहीं करता, कोई दिक्कत नहीं, फिलहाल आजकल आदत ख़राब ज़्यादा हो गई है, सुधारनी पड़ेगी। तो फिलहाल गाइस सोते हैं यार, अब टाइम हो गया, तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग नेक्स्ट डे, ओके। और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, बाय बाय गाइस।